Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan and in this video we are going to do more question on array. So let's get started. तो यार आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ऑफ एरे. ठीक है, तो आज हम ये वाले क्वेश्चन को देखेंगे. यार एक चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने मैक्सिमम सम्स ऑफ एरे करा था और ये वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ऑफ एरे. तो यार मैक्सिमम सम्स ऑफ एरे को मैंने कैडेंस एल्गोरिथम की हेल्प से ऑप्टिमाइज करके ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लेके आया था मैं उसको, और उसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर था. तो यार अगर किसी ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मैं ये रिकमेंड करूंगा पहले आप वो वाली वीडियो देखें देन ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि दोनों का मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे एंड मैक्सिमम सब सम सब एरे का ब्रूट फोर्स अप्रोच बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक चेंज है प्रोडक्ट, इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रही है, उसमें समीशन हो रहा था. तो सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखता हूं मैं. इसमें मैं आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज आप पहले वो वाली वीडियो देखिए जिसको ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं आती. ठीक है ना, क्योंकि मैं इसमें डायरेक्टली आपको करके दिखाऊंगा. उसके बाद क्योंकि मेरा मेन जो है वो ये कि ऑप्टिमाइज इसको कैसे करना है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे हम इसको कर सकते हैं. तो जो ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए प्लीज आप उसको देखिए पहले, फिर आप यहाँ पर आइए. और उसमें मैंने सब एरे भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सब एरे क्या चीज होती है, इट इज अ कॉन्टिगस पार्ट ऑफ एन एरे. ठीक है ना, और मैंने पूरा एग्जांपल के थ्रू आपको सब एरे बताया है, मैक्सिमम सम सब एरे बताया, फिर उसके ऊपर कैडेंस एल्गोरिथम अप्लाई किया है जिससे वो ऑप्टिमाइज होकर ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाए. ठीक है, तो सबसे पहले यार इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है, ब्रूट फोर्स अप्रोच वो होता है ब्रूट फोर्स अप्रोच जिसकी हेल्प से हम जो है हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कितना आ रहा है, ब्रूट फोर्स अप्रोच से हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ रहा है. कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ. समझा है मैंने जो था वो पीछे वाली वीडियो में था, इसलिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी. तो हम कहां से जा रहे हैं, इंट आई जीरो से लेकर इंडेक्स जीरो से लेकर आई इज लेस देन एन पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहे हैं. बहुत बढ़िया. उसके बाद क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट है इसलिए प्रोडक्ट हम वन से इनिशियलाइज करेंगे, लेकिन हमने सम जीरो से इनिशियलाइज करा था. ठीक है, उसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि इंट प्रोडक्ट जो कि हमने वन से इनिशियलाइज किया. हर एक आइट्रेशन में जब आई प्लस प्लस होगा इंक्रीमेंट होगा तो उसके लिए प्रोडक्ट वन हो जाएगा हर आइट्रेशन में. ठीक है, और जे जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो आई से स्टार्ट होगा. कब तक चलेगा, पूरे एरे को ट्रेवर्स करेगा एंड देन जे प्लस प्लस. ठीक है, उसके बाद उसमें समीशन और था, इसमें क्या है यार, ये हमारा प्रोडक्ट है. ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, तो क्वेश्चन मैंने बताया ही नहीं. इसमें क्या करना है यार, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स. ठीक है, हमारे पास एक एरे है नम्स नाम से. Find a contiguous non-empty sub-array within the array, okay, that has the largest product and return the product. ठीक है, इसमें हमें क्या रिटर्न करना है, खाली हमें प्रोडक्ट उसका रिटर्न करके आपको दे देना है. जैसे हमारे पास यार एक एरे है नम्स नाम से जिसमें चार एलिमेंट्स है हमारे, डेट इज 2, 3, -2, 4. ठीक है, अगर आप देखें यार इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 6 आ रहा है. क्यों, क्योंकि 2 × 3 = 6. सब एरे आपको पता है पहले सब एरे क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो 2 का 2 ही रहेगा प्रोडक्ट. फिर 2 × 3 सब एरे, एक सब एरे है तो 2 × 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. ठीक है, फिर ये एक सब एरे है इसका क्या आएगा, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 6 − 2 = −12. तो यार वो तो मैक्सिमम होगा नहीं, ये भी माइनस आ जाएगा, इन चार होगा अगर हम करेंगे. उसके बाद एक 3 सब एरे है उसका प्रोडक्ट 3 आएगा, 3 − 3 × −2 = 6, और ये भी माइनस में दे देगा जब तीनों का करेंगे. देन −2 एक सब एरे है तो इसका तो माइनस में आएगा, आगे भी इंक्रीमेंट करोगे और मल्टीप्लाई करोगे जो वो भी माइनस में आएगा. फिर आप 4 को देखोगे तो 4 6 है, छोटा है, तो सबसे हाईएस्ट किसका होगा, 2, 3, यानी 2 × 3 जब आप करोगे तो उसका 2, 3 इज द लार्जेस्ट प्रोडक्ट, डेट इज 6. ठीक है ना, तो वो एक सब एरे है. आई होप आपको सब एरे पता होगा, अगर नहीं पता पीछे वाली वीडियो देखिए देन यहाँ पर आइए. ठीक है, तो ये तो मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि इसमें 2, 3 है जिसका आप मल्टीप्लाई करेंगे एक सब एरे है वो आपको 6 देगा, वही आपका हाईएस्ट है. ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच पे हम चलते हैं. तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू व्हाट, दैट इज नम्स. नम्स क्या आपका, ये आपका जो वेक्टर एरे है. ठीक है, तो ये क्या होगा, नम्स जे. पूरा मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच बहुत अच्छे डिटेल में समझाया है पीछे वाली वीडियो में, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आप वो वाली वीडियो देखें क्योंकि सब चीज सेम है. इसमें सिर्फ उसमें सम हो रहा था, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, और कोई चीज की और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ उसमें सम हो रहा था, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है ना, तो प्लीज आप उस वीडियो को देखें. तो ये मैक्स प्रोडक्ट, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पर, मैक्स प्रोडक्ट. ठीक है, अभी वो भी इनिशियलाइज करेंगे, मैक्स ऑफ व्हाट, दैट इज मैक्स प्रोडक्ट कोमा जो आपका प्रोडक्ट निकल के आ रहा है. ठीक है, एंड देन रिटर्न
रिटर्न रिटर्न आप करा देंगे मैक्स प्रोडक्ट, और मैक्स प्रोडक्ट जो आपने इनिशियलाइज करा वो कैसे इनिशियलाइज करेंगे, आपने जो मैक्स प्रोडक्ट इनिशियलाइज करोगे आप बहुत छोटी वैल्यू से करोगे इंट मिन से, ठीक है इंट मिन से। तो जब आप इसको रन करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, लेट्स चेक। तो ये क्या है, फॉर इंट आई जीरो से लेकर आई इज लेस देन क्या हो गया, ओके एन, वो कह रहा है आपने एन डिक्लेयर नहीं करा, बिल्कुल नहीं करा, तो हमें एन भी तो बताना है। एन क्या है यार, एन जो है हमारा इंट एन वो क्या है, इस एरे का ये जो नम्स वेक्टर एरे है नम्स उसका साइज है। तो ये क्या लिखूं मैं, नम्स डॉट साइज, बहुत सही। अब इसको जब हम रन करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो यार इसको जब हम रन करेंगे प्रोडक्ट इनटू नम्स जे, ओके सेमी कोलन लगाया मैंने, ठीक है। तो जब हम इसको रन करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, यस सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, 6 एक्सपेक्टेड भी 6 आउटपुट भी 6, ठीक है एक्सेप्टेड ये आ रहा है। बट इसको जब हम सबमिट करेंगे तो ये नहीं लेगा भाई, ये सारे टेस्ट केसेस पास नहीं करेगा। आप देखना ये क्या कह रहा है, ये टाइम लिमिट एक्सीडेड, यानी बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है वो आपको, आपको यू नीड टू ऑप्टिमाइज दिस कोड, ठीक है ना। तो इसमें जो है 187 आउट ऑफ 188 टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, मतलब एक टेस्ट केस इसमें पास नहीं हो रहा, तो आपको ये ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कोड है कितना ले रहा है यार, ये तो आउटर फॉर लूप है पूरा एन तक जाएगा, ठीक है इनर फॉर लूप है तो अप्रोक्सीमेटली ये भी एन तक जा रहा है, तो एन मल्टीप्लाई एन ये आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, जो कि मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है। बट हमें इसको ऑप्टिमाइज करके एन में लाना पड़ेगा, एन में, तो वो कैसे आएगा वो देखते हैं, मेन चीज है वो देखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्टिमाइज अप्रोच, ऑप्टिमाइज अप्रोच तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैंने यार एक मैक्स प्रोडक्ट लिया जो मैं रिटर्न करूंगा, जो मैं रिटर्न करूंगा, क्योंकि मैक्स प्रोडक्ट ही मुझे लाना है चाहिए, तो उसको मैंने नम्स जीरो से इनिशियलाइज करा, बहुत सही। एक मैंने लिया मिनिमम प्रोडक्ट, अभी मैं सब चीज आपको बताऊंगा कि क्यों लिया है, क्या करना है, जो भी चीजें सारी चीज देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आंसर है मेरा, वो भी बताऊंगा ये भी क्यों लिया है, ठीक है। और इसको भी मैं नम्स जीरो से इनिशियलाइज करता हूं, एन यू एम्स नम जीरो, बहुत सही। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखते हैं। एक मैं फोर लूप चला रहा हूं, फोर इंट आई जीरो से लेकर आई इज लेस देन एन माइनस वन आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद क्या करता हूं मैं, इसके बाद है इफ, ओके इफ ये नम्स है, सॉरी इफ पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको बताऊंगा, नम्स ऑफ आई इज लेस देन जीरो, मतलब अगर कोई नम्स ऑफ आई नेगेटिव मिलता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जस्ट स्वैप व्हाट मैक्स प्रोडक्ट और मिन प्रोडक्ट, गुड, अदरवाइज मैक्स प्रोडक्ट विल बी व्हाट, दैट इज मैक्स ऑफ नम्स ऑफ आई, ठीक है, कोमा नम्स ऑफ आई मल्टीप्लाई मैक्स प्रोडक्ट, बहुत सही, ठीक है। जाइए कंट्रोल सी करो इसको, और ये कंट्रोल भी, ये यहाँ आ जाएगा मिन प्रोडक्ट, मिन प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी आपका मिन प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें क्या होगा मिन, दैट इज मिन ऑफ दिस, बहुत सही। उसके बाद क्या होगा, एक नेक्स्ट लाइन है आंसर, आंसर क्या देगा यार, ये मैक्स देगा किसका यार, जो आपका मैक्स प्रोडक्ट आ रहा होगा, कोमा आंसर। उसके बाद जब आप रिटर्न करेंगे यहाँ पर तो आपको रिटर्न मारना पड़ेगा आंसर, ठीक है, रिटर्न मार देंगे आप आंसर। तो इसको जब आप रन करते हैं तो ये पूरा सही चलेगा, एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या चीज है, ठीक है। तो ये, ओ सॉरी यार, मैंने एन माइनस वन ले लिया है यहाँ पर, पहले n को देखता हूँ, int n is equals to nums dot size, ठीक है, और ये n, ठीक है। तो इसको जब हम रन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ये गलत बता रहा है, 2, 3, 12 and that is expected 6, output 12, ये n minus 1 हो जाएगा, n minus, sorry, ये आपका 1 से स्टार्ट होगा यार, काम में भी ध्यान नहीं है मेरा भी, कोई नहीं, क्योंकि हमने ये इंडेक्स जीरो पे जीरो से इनिशियलाइज कराए हैं, वो भी मैं पूरा बताऊंगा। यस पूरा ये एक्सेप्टेड हो रहा है, ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं चलता है नहीं चलता है। तो ये सबमिट हो गया है शायद, यस एक्सेप्टेड, बिल्कुल सही है, ठीक है।
ठीक है। तो इसको अब देखते हैं हमने करा क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको मैं समझाऊंगा आपको प्रॉपर वे में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। बहुत बढ़िया, तो यार मैं इसको आपको यहां बताता हूं, यहां करके दिखाता हूं क्या करा है मैंने। ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि हो क्या रहा है, करा क्या है। ठीक है, बहुत सही, इसको मैं ये 24। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रे, मैक्स प्रोडक्ट है मेरा, मैक्स प्रोडक्ट है जो कि मेरा कहां है अभी, मेरा यहां पर है इंडेक्स जीरो पे, मतलब अभी मेरा क्या है, टू है। बहुत सही, एक मेरा मिन प्रोडक्ट है वो भी नम्स जीरो पे है, विच मीन्स वो भी टू पे है। ठीक है, एक मेरा आंसर है वो किस पे है यार, वो भी इंडेक्स जीरो पे, विच मीन्स टू है वो भी, क्योंकि इंडेक्स जीरो पे टू पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, अब ये तो करा मैंने यार, ये किस पे है यार, ये इंडेक्स जीरो पे, नम जीरो नम जीरो नम जीरो, विच मीन्स इस पे है ये अभी इंडेक्स जीरो वाले पे, इंडेक्स जीरो पे, तो उस पर क्या पड़ा है, उस पर टू है। ठीक है, एन जो है इस वेक्टर एरे का साइज है, तो कहां से जाएगा, ये वन से स्टार्ट होगा, ये कहां से स्टार्ट होगा, ये टू से स्टार्ट नहीं होगा, ये थ्री से स्टार्ट होगा, डेट इज इंडेक्स वन। कहां तक जाएगा, पूरा एरे ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, तो वन से लेकर लेस देन एन तक। ठीक है, ये ठीक है, अब देखते हैं वन से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आप अभी आप कहो, अभी आप यहां पर हो थ्री पे, तो थ्री क्या है, थ्री तो एक पॉजिटिव नंबर है। इफ कब चलेगा, जब नम्स ऑफ आई जो है, यानी कि कोई एरे का एलिमेंट वो लेस देन यानी कि नेगेटिव होगा, बट ये अभी पॉजिटिव है तो इसको अभी छोड़ो, ये नहीं चलेगा। तो मैक्स प्रोडक्ट क्या कह रहा है, मैक्स प्रोडक्ट विल बी मैक्स ऑफ नम्स ऑफ आई कोमा नम्स ऑफ आई इनटू मैक्स प्रोडक्ट। क्या कह रहा है देखते हैं, तो यार मैक्स प्रोडक्ट क्या कह रहा है, मैक्स प्रोडक्ट कह रहा है ये मैक्स होगा किसका, एम एक्स मैक्स होगा किसका यार, ये मैक्स होगा एक तो नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई है, ठीक है, नम्स ऑफ आई कोमा वॉट मैक्स प्रोडक्ट कोमा नम्स ऑफ आई, ठीक है, मल्टीप्लाई आपका ये मैक्स प्रोडक्ट, सॉरी ये प्रोडक्ट लिख दिया मैंने, मैक्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा हूं मैं, एक चीज हो रहा है, आई जो है अभी वो क्या है, आई मेरा वन पे, इंडेक्स वन यानी कि थ्री पे, तो मैक्स प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ऐसी मैं ये लिख लेता हूँ कंट्रोल सी, मिन प्रोडक्ट भी लिख लेता हूँ यार, ये कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ पहले यार, फिर आपको बताऊंगा मिन ऑफ वॉट, ये मिन ऑफ वॉट है नम्स ऑफ आई है, बहुत सही, उसके बाद मेरा है ये नम्स ऑफ आई है यहाँ पर भी, ठीक है, मल्टीप्लाई मिन प्रोडक्ट, एक बार लिख लेते हैं फिर बताते हैं। तो सबसे पहले मैक्स प्रोडक्ट चलेगा, ठीक है, तो मैक्स प्रोडक्ट क्या है यार, मैक्स प्रोडक्ट है मैक्स, मैक्स ऑफ वॉट, नम्स ऑफ आई, आई क्या है, आई वन है, तो वन पे क्या पड़ा हुआ है थ्री, ठीक है, कोमा नम्स ऑफ आई, आई पे क्या पड़ा हुआ है, आई इज इक्वल टू वन, यानी कि थ्री इंटू वॉट मैक्स प्रोडक्ट, मैक्स प्रोडक्ट क्या है ऑलरेडी टू, तो थ्री इंटू टू डेट इज सिक्स, तो थ्री और सिक्स में से कौन बड़ा है, समझ रहे हो ना, नम्स आई क्या है, आई आई कहाँ है, आई एट वन, तो इंडेक्स वन पे थ्री है, तो नम्स आई क्या हो जाएगा थ्री, कोमा नम्स आई डेट इज थ्री इंटू मैक्स प्रोडक्ट, यानी थ्री इंटू टू सिक्स, तो थ्री और सिक्स में से कौन बड़ा है, आपका सिक्स बड़ा है, तो मैक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैक्स प्रोडक्ट विल बी सिक्स। बहुत बढ़िया, उसके बाद मिन प्रोडक्ट क्या है, डेट इज मिन ऑफ नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई कितना है, नम्स ऑफ आई तो थ्री है, कोमा नम्स ऑफ आई यानी कि थ्री इंटू वॉट मिन प्रोडक्ट, तो मिन प्रोडक्ट कितना है टू है, तो थ्री इंटू टू, तो कितना आएगा थ्री इंटू टू विच मीन सिक्स, तो थ्री और सिक्स में से मिनिमम, ये मिनिमम ले रहा है मिनिमम, तो मिनिमम क्या है थ्री है, तो मिन प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा। बहुत बढ़िया, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हो रहा है आप आंसर, आंसर में जा रहे हो, तो आंसर में क्या होगा, आंसर में क्या होगा यार, आंसर क्या कह रहा है, आंसर विल बी वॉट, मैक्स ढूंढ रहा है किसमें से, तो मैक्स प्रोडक्ट में भी क्या पड़ा है, मैक्स प्रोडक्ट में पड़ा है सिक्स, बहुत बढ़िया सिक्स है, कोमा आंसर, आंसर में क्या है, आंसर आपने नम जीरो से इनिशियलाइज कराया था और उसमें क्या है, आंसर में टू, तो यार सिक्स कोमा टू में से कौन मैक्स होगा, सिक्स कोमा टू में से ऑफकोर्स सिक्स मैक्सिमम है, तो आंसर में अभी क्या पड़ा स्टोर हो जाएगा, सिक्स स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करा, आई प्लस प्लस, तो आप कहां पर आ गए, आप आ गए इंडेक्स जीरो वन टू, इंडेक्स टू पे जहां माइनस टू पड़ा हुआ है, आप कहां आ गए इंडेक्स टू पे जहां माइनस टू पड़ा हुआ है, उसके बाद आप आए मैक्सिमम प्रोडक्ट विल बी मैक्स ऑफ नम्स ऑफ आई इंटू नम्स ऑफ आई इंटू मैक्स प्रोडक्ट। तो मैक्स प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये क्या कहेगा, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई क्या है माइनस टू। एक चीज और है, जब भी हमारा कोई नम्स का यानी कि एरे जो है वेक्टर एरे उसका कोई भी एलिमेंट नेगेटिव आएगा, माइनस टू क्या है नेगेटिव है, तो हमने एक कंडीशन लिखी थी, इफ नम्स ऑफ आई इज लेस देन जीरो, अगर नेगेटिव है ये नम्स ऑफ आई, अगर नेगेटिव है माइनस टू इज लेस देन जीरो नेगेटिव है, यस, तो क्या कर दोगे, स्वैप कर दोगे आप मैक्सिमम प्रोडक्ट और मिनिमम प्रोडक्ट को, विच मीन्स उनकी वैल्यू जो है स्वैप हो जाएंगी। अब माइनस टू है, जीरो आई किस पे है, टू पे, तो जीरो वन टू, इंडेक्स टू की बात कर रहे हैं हम, और इंडेक्स टू पे माइनस टू जो कि नेगेटिव है,
और अगर नेगेटिव है तो हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट में किसकी वैल्यू हो जाएगी, जो मिनिमम प्रोडक्ट की है। तो मिनिमम प्रोडक्ट में क्या पड़ा हुआ है, 3, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और मिनिमम प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट में 6 था, स्वैप हो गई। पहले 6.3 था, अब क्या हो गया, 3.6, बहुत बढ़िया। उसके बाद इफ हो गया, अब मैक्सिमम प्रोडक्ट पाओगे। मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या कह रहा है, मैक्स ऑफ नम्स ऑफ आई, ये तो एज इट इज है, देखते हैं हम। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मैक्स ऑफ नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई क्या है, -2 है, ठीक है, कोमा नम्स ऑफ आई इंटू मैक्स प्रोडक्ट, नम्स ऑफ आई क्या है आपका -2 ही है, ठीक है, इंटू मैक्स प्रोडक्ट में क्या है आप, 3 है। तो मैंने देखा यार ये क्या रहा, -2 का -2 कोमा -2 इंटू 3 डेट इज -6। तो मैक्सिमम कौन सा है इसमें, -2 बड़ा है या -6 बड़ा है, ऑफकोर्स -2 बड़ा है, -2 ही तो बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप किस में जाओगे, उसके बाद आप किस में जाओगे, अब आप मिनिमम प्रोडक्ट में जाओगे। तो मिनिमम क्या कह रहे हो, मिनिमम, तो मिनिमम प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो मिनिमम प्रोडक्ट क्या कह रहे हो, इस पे ही हो, आई की वैल्यू 2 है, तो 0, 1, 2 इंडेक्स 2 पे -2 ही पड़ा हुआ है, ठीक है, कोमा -2, अरे नम्स ऑफ आई, कोमा नम्स ऑफ आई इंटू मिनिमम प्रोडक्ट, इंटू मिनिमम प्रोडक्ट, मिनिमम प्रोडक्ट क्या है आपका यार, ये तो 6 आ रहा है भाई, हाँ जी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 6 से करोगे, तो आपने देखा ये -2 कोमा -2 इंटू 6 दैट इज -12। तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है यार, -12 छोटा है, ठीक है, तो मिनिमम प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और हाँ ये आपने, आपका जो मैक्सिमम प्रोडक्ट था वो तो अभी 3 है, एक सेकंड रुक जाओ यार, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ नम्स ऑफ आई, मैक्स ऑफ इफ नम्स, हाँ ये तो नेगेटिव है, बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट में ये हो जाएगा, और आंसर में मैक्स प्रोडक्ट इनटू दिस, ठीक है, एक चीज हो रहा है यार, मैक्स प्रोडक्ट मैक्स ऑफ दिस, ठीक है, तो मैक्स प्रोडक्ट में जो आंसर हमारी आएगी वो क्या आएगी, मैक्स प्रोडक्ट की जो वैल्यू हो जाएगी -2 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, ये चेंज हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अरे -2 आई थी ना, और हर एक आइटरेशन में मैक्स प्रोडक्ट की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं हम, तो मैक्स प्रोडक्ट में अब क्या हो जाएगा, -2, वो चीज, ठीक है ना। उसके बाद मिनिमम प्रोडक्ट में क्या था, -2 इंटू -2 इंटू 6, तो दोनों में से कौन छोटा है, -12 है, ठीक है, तो -12 किस में स्टोर हो जाएगा, दैट इज मिनिमम प्रोडक्ट में, ध्यान समझ आ गया ना, बहुत सही। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका, आप आंसर वाले उसपे, आंसर वाले उसपे, तो आंसर क्या कह रहा है यार, आंसर कह रहा है मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्ट, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट में क्या पड़ा है, मैक्सिमम प्रोडक्ट में आपका -2 है, बहुत सही, कोमा आंसर, आंसर में क्या पड़ा हुआ था यार, आंसर में तो हमारा 6 पड़ा हुआ था, क्या पड़ा हुआ था, 6 पड़ा हुआ था, तो -2 और 6 में से कौन सा मैक्सिमम है, ऑफ कोर्स 6 है, तो क्या आ जाएगा, 6 ही रहेगा, स्टोर रहेगा, एज इट इज हो रहेगा। उसके बाद आप यहाँ से आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, बहुत सही। तो आई जब इंक्रीमेंट होगा तो आप कहाँ पर आएगा, इंडेक्स 3 पे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, क्या हो गई, इंडेक्स 3 पे आ गई, बहुत सही। उसके बाद आप आए 3, इंडेक्स 3 पे आपने देखा 4 नेगेटिव है, नहीं 4 तो पॉजिटिव है, तो इफ जो इफ वाला लूप है, ये जो इफ है ये नहीं चलेगा, अब आप आ जाओगे मैक्सिमम प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या कह रहा है, मैक्स ऑफ नम्स ऑफ आई कॉमन नम्स ऑफ आई इनटू मैक्स प्रोडक्ट, ठीक है, तो एक इसमें से निकालेगा, मैक्स ऑफ नम्स ऑफ आई कितना है, 4 है, ठीक है, कोमा 4 इंटू मैक्स प्रोडक्ट कितना है अभी, 4 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा यार, ये 4 इंटू -8, इन दोनों में से कौन बड़ा है यार, इन दोनों में से ऑफकोर्स 4 बड़ा है, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट में क्या रख दोगे, 4 रख दोगे, बहुत सही। मिनिमम प्रोडक्ट, मिनिमम प्रोडक्ट क्या है, मिनिमम प्रोडक्ट है 4 कोमा 4 इंटू मिनिमम प्रोडक्ट, मिनिमम प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, -12, ये तो है, तो 4 इंटू -12 ये क्या हो जाएगा यार, 4 कोमा 12 इंटू डेट इज -48, तो 4 और -48 में से कौन छोटा है यार, ऑफकोर्स -48 छोटा है, तो क्या आ जाएगा, -48, ठीक है। उसके बाद आंसर में आए, तो आंसर क्या कह रहा है यार, ये मैक्स ढूंढता है, मैक्स किस में से, मैक्स प्रोडक्ट, मैक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, मैक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 4 है, बहुत बढ़िया, 4 है, ठीक है, कोमा आंसर, आंसर क्या है, आंसर तो 6 था, तो 4 और 6 में से कौन बड़ा है यार, ऑफ कोर्स 6 ही तो बड़ा है, ठीक है, तो आंसर में क्या रहेगा, 6 स्टोर रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस, तो ये तो पूरा आई प्लस प्लस होके कहां आ जाएगी, अब जो आई की वैल्यू आ जाएगी वो कहां आ जाएगी, अब तो यार आई की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा 4 तो ये वाले आई की, ये तो इंडेक्स 0 था, ठीक है, ये इंडेक्स 1 था, इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2 था मेरा, और ये इंडेक्स 3 था, बहुत सही। अब यहां पर आएगी तो पूरा एरिया आपने ट्रेवर्स कर लिया है, तो आपने देखा कि लास्ट में आंसर की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, तो रिटर्न आप कर दोगे आंसर को, और जब आप सबमिट करोगे तो सबमिट भी हो रहा है। क्या समझ में आया, कि मैंने 3 वेरिएबल लिए, मैक्स प्रोडक्ट मैंने नम 0 से इनिशियलाइज कराया, जो फर्स्ट एरे का एलिमेंट है डेट इज 2, उसमें 2 रखा मैक्स प्रोडक्ट में, मिन प्रोडक्ट में भी 2 रखा और आंसर में भी 2 रखा, और मैंने अपना जो एरे है वो इंडेक्स 1 से स्टार्ट कराया, यानी कि 3 से, इंडेक्स 1 पे क्या रखा, 3, तो
इंडेक्स वन से स्टार्ट करूंगा मैं फॉर लूप, तो मैं कह रहा हूं अगर मेरा कोई भी एरे का एलिमेंट नेगेटिव आता है तो मैं स्वैप करा दूंगा किसको, मैक्सिमम प्रोडक्ट एंड मिनिमम प्रोडक्ट दोनों को, इनकी वैल्यू आपस में स्वैप हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। उसके बाद मैक्स प्रोडक्ट होगा, इट इज मैक्सिमम वोट नम्स ऑफ आई, जो आपका करंट एलिमेंट है जिसपे अभी आप हो, कोमा नम्स ऑफ आई करंट एलिमेंट इन टू मैक्स प्रोडक्ट। उसके बाद मिन प्रोडक्ट क्या होगा, मिन प्रोडक्ट विल बी मिनिमम ऑफ करंट एलिमेंट जो आपका नम्स ऑफ आई है, कोमा नम्स ऑफ आई करंट एलिमेंट इन टू मिन प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आंसर जो है वो क्या होगा, इट इज मैक्स ऑफ मैक्स प्रोडक्ट, जो आपका मैक्स प्रोडक्ट यहां पर निकल के आया है, कोमा जो आपका आंसर है, ठीक है। और बाद में आप लास्ट में क्या करवाओगे, जब आप फोर लूप से बाहर आओगे तो क्या होगा, आप रिटर्न करा देंगे आंसर और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने सबमिट करके दे लिया था, और सबमिट जब आप करेंगे इसको तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और है इसमें जो है, ये वैसे मैंने कर दिया सबमिट, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये जो है, मैं अगर आप देखें इसको ध्यान से, ये हटा देता हूँ, सॉरी, ये जो एक फोर लूप यूज किया है तो कहां से लेकर कहां तक जा रहा है यार, ये वन से लेकर एन तक तो अप्रोक्सीमेटली एन है, मतलब जीरो से लेकर एन, वन से लेकर एन, तो एक पूरा सारे एरे के एलिमेंट ट्रेवर्स कर रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन। तो ये मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया, पहले कितना आता, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आता ब्रूट फोर्स अप्रोच में, लेकिन मैं किस में लेके आ गया हूं, इसको ऑप्टिमाइज करके मैं ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लेके आ गया हूं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बने क्योंकि हम कुछ और इसमें स्पेस का यूज कर ही नहीं रहे, एक एरे है तो एरे ही रहेगा, इसमें कुछ मैंने अलग से यूज नहीं किया है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ साइज एन, ठीक है, रोटेट द एरे टू द लेफ्ट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय डी स्टेप्स वेयर डी इज द पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले देखते हैं एग्जांपल से समझ आएगा क्या कह रहा है। तो यार मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे एक एरे जिसमें साइज उसका 5 है, व्हिच मींस वी हैव 5 एलिमेंट्स इन आवर एरे, हमारे एरे में 5 एलिमेंट्स पड़े हैं, बहुत सही। उसके बाद डी की वैल्यू दे रखी है 2। उसके बाद अगर आप देखें तो एरे में 1 2 3 5 थे, 1 2 3 4 5, और आउटपुट जो मिल रहा है वो 3 4 5 1 2 मिल रहा है। तो उन्होंने कहा भी है, क्या कहा है देखते हैं, कि गिवन एन अनसॉर्टेड एरे, हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे जिसका साइज एन है, बहुत सही। उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू रोटेट द एरे टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय डी स्टेप वेयर डी इज द पॉजिटिव इंटीजर। हमको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना है, रोटेट करना है, बहुत सही। तो अभी आप इसका अगर पैटर्न देखें तो ये क्या आ रहा है, ये क्या है, d2। तो मैं देखूं अगर एरे इंडेक्स 0 पे 1 में, इंडेक्स 1 पे 2 पड़ा हुआ है, और इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा है, 3, विच मीन्स मेरा जो इंडेक्स 2 है उस पे क्या पड़ा हुआ है, 3। तो मैंने क्या देखा, मैं आपको इस एग्जांपल से समझा दूं मैं क्या कह रहा हूं। मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे क्या पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 पड़ा हुआ है, बहुत सही। ये तो मेरा क्वेश्चन में दे रखा है 1 2 3 4 5, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 3 पहले आएगा, जो इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या है, आगे बढ़ोगे इंडेक्स 4 पे जो है वो पहले उसके बाद आएगा, फिर इंडेक्स 5 पे वो आएगा, फिर इंडेक्स 1 पे वाला, फिर दिस, यानी कि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है जो इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ है। तो पहले मैं कोड लिखता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो यार मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, टेम्परेरी एरे लिया जिसका साइज मैंने एन रखा, बहुत सही। सबसे पहले मैं कह रहा हूं int i 0 से लेकर i is less than n i plus plus, बहुत बढ़िया। उसके बाद temp of i will what, it is array of i plus d percentile n, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये स्टेप 2 है, स्टेप 2 में आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, ये void में दे रखा है ना, ये void return type है, तो it does not have any return type, ये return नहीं करेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप just copy करा दोगे, copy values from what, from temp to arr array। तो क्या हो जाएगा, 4 int पूरा array traverse करोगे आप 0 से लेकर i is less than n, जो भी है i plus plus, okay। और जो array i की value क्या हो जाएगी, आपकी temp of i की value हो जाएगी। पहले इसको check करते हैं, compile and run then submit, उसके बाद मैं आपको explain करूंगा क्या मैंने इसमें कराया है। तो देखते हैं, बिल्कुल सही आ रही है इसकी वैल्यू, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम सबमिट करें तो सबमिट होके क्या आएगा देखते हैं। तो जब आप इसको सबमिट करेंगे बिल्कुल ये इसकी वैल्यू सही आ जाएगी, ठीक है। तो हमने करा क्या देखते हैं,
यार सबसे पहले हमारे पास एक एरे है जिसमें हमारे 1, 2, 3, 4, 5 पांच एलिमेंट पड़े हुए हैं और हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 3, 4, 5, 1, 2 आ रहा है। हमारे पास n 5 है जिसमें हमारे 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, हमें एक d की वैल्यू 2 दी है, हमें क्या करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट करना है कितना स्टेप, उन्होंने बोला है ना। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं कि हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे है जिसका साइज एन है, ठीक है, यू हैव टू रोटेट द एरे टू द लेफ्ट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेफ्ट की तरफ यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ हमें क्या करना है रोटेट करना है कितना स्टेप, जो हमें डी स्टेप्स दिए हैं, वेयर डी इज द पॉजिटिव इंटीजर। बहुत सही। तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन, अब एरे क्या है 1 2 3 4, एरे क्या है 1 2 3 4, एक टैंप लिया मैंने तो टैंप इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा मेरा 3, ठीक है। अब आप एल्गोरिथम से अगर देखो, इस एल्गोरिथम से देखो तो एल्गोरिथम ये क्या कह रहा है। बहुत सही। तो सबसे पहले आप क्या हो, मैं इसमें आपको करके दिखाता हूं, ये मैं ये हो नहीं रहा कोई बात नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं टैंप ऑफ आई, आई क्या है अभी जीरो पे है, टैंप जीरो, बहुत सही। उसके बाद आपने लिखा एरे, बहुत सही, आई आई क्या है जीरो, इंडेक्स जीरो पे हो क्योंकि जीरो प्लस डी की वैल्यू क्या है यार, डी इस वाले एग्जाम्पल के रेफरेंस से मैं आपको समझा रहा हूं, D की वैल्यू क्या है अभी 2 है, तो 0 प्लस 2, ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 2 है, ठीक है। परसेंटाइल क्या है N, N क्या है यहां पर N है 5, ठीक है, बहुत सही। तो N में लिख देता हूं यहां पर 5, ठीक है जी। तो 0 प्लस 2 क्या आता है, 0 प्लस 2 विल बी या 2 ही रहेगा, 0 प्लस 2 तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 परसेंटाइल 5, एक चीज मैंने पहले लेक्चर में ही बताई थी, इससे पहले लेक्चर में या उससे पहले दो चार लेक्चर पहले, कि यार अगर मेरा 1 परसेंटाइल 5 है तो ये 1 आएगा, ठीक है, 2 परसेंटाइल 5 है तो ये 2 आएगा, ठीक है, ऐसी 4 परसेंटाइल 5 है तो क्या आएगा 4 ही आ जाएगा। ये क्या रहा है, ये मोड्यूलो है, ये रिमाइंडर दे रहा है, बट अगर मेरा 5 परसेंटाइल 5 आ रहा है तो वो क्या देगा, 5 परसेंटाइल 5 विच मीन्स वो क्या देगा, इट विल ये क्या देगा, ये 0 दे देगा, क्यों, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर वो है 0 है। ऐसी 6 परसेंटाइल 5 करोगे आप तो क्या आएगा, उसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, समझ रहे हो ना, ये रिमाइंडर मॉड्यूल क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो 2 परसेंटाइल 5 करोगे तो क्या आएगा, 2 परसेंटाइल 5 क्या दे देगा आपको, 2 दे देगा, क्या दे देगा 2 परसेंटाइल 5 2, तो 2 परसेंटाइल 5 क्या दे देगा आपको 2 दे देगा, बहुत सही। क्या कह रहा है ये, इसका मतलब देखो अब क्या हुआ, टैंप 0 यानी कि टैंप 0 क्या, यानी कि यहां पर ये किस वैल्यू की बात चल रही है, यहां पर टैंप 0 में क्या आएगा, टैंप 0 में आएगा एरे एट इंडेक्स 2, क्या आ रहा है एरे एट इंडेक्स 2, ये वाली एरे एट इंडेक्स 2, क्या इंडेक्स 2 ये वाला, सॉरी ये एरे एट इंडेक्स 2, मतलब इसमें क्या आ जाएगी 3, इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये क्या कह रहा है, इसमें आ जाएगी 3, समझ रहे हो ना, एरे एट इंडेक्स 0, ये जो आपका इंडेक्स 0 है इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एरे एट इंडेक्स 2 जिसमें 3 पड़ा हुआ है, टैंप 0 विल बी एरे एट एरे 2, 2 क्या है, 2 क्या है आपका इंडेक्स 2 जिसमें 3 पड़ा हुआ है, बहुत सही। उसके बाद क्या हो जाएगा, i++, ठीक है, बहुत सही। उसके बाद आपने क्या करा, i++, तो क्या हो जाएगा टैंप ऑफ i, i क्या है अभी 1 हो गया। उसके बाद क्या करा आपने, एरे, बहुत सही। अब i क्या है, i तो 1 है, 1 प्लस d की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 1 3, 3 परसेंटाइल n, n क्या है आपका 5 है, तो 3 परसेंटाइल 5 क्या आएगा 3 ही आ जाएगा, बहुत सही। तो टैंप 1, टैंप एट इंडेक्स 1, ये वाले इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है, टैंप के इंडेक्स 1 में क्या पड़ा हुआ है, एरे एट इंडेक्स 3, एरे 3, एरे 3, एरे 3 क्या है, एरे 3 है, एरे 3, एरे 3 है, तो टैंप 1 में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, बहुत सही। उसके बाद i++, i कहां पर आ जाएगा, यहां पर, ठीक है, बहुत सही। अब i++ होके क्या हो गया यार, ये जो हो गई i की वैल्यू हो गई 2, बहुत सही। उसके बाद क्या हो गया, एरे, एरे, एरे क्या है, i, i की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो d की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 2 डेट इज 4, 4 परसेंटाइल 5 क्या आएगा 5, यार 4 ही आ जाएगा, बहुत सही। तो टैंप की वैल्यू 2 पे यानी कि यहां पर, ये जो यहां पर क्या आएगा, टैंप 2 में क्या आ रहा है, एरे 4, एरे एट इंडेक्स 4, एरे एट इंडेक्स 4 यानी कि ये वाली वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू, बहुत सही। तो क्या आ जाएगा यहां पर, आ जाएगा 5। अब i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू यहां से हट के क्या हो गई, यहां पर आ गई प्लस प्लस, बहुत सही। तो टैंप क्या हो गया, टैंप 2 से i, टैंप i था 2 से हट के अब 3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब एरे क्या हो गया, एरे हो जाएगा आपका i, i क्या है, i तो आपका कितना हो गया, i आपका 3, ठीक है, और d क्या है 2, तो 3 प्लस 2 डेट इज 5, परसेंटाइल n, n क्या है 5, तो 5 परसेंटाइल 5 मैंने बताया था, जब 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इट विल गिव यू 0,
तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। बहुत सही। तो टैंप एट इंडेक्स थ्री, यानी कि टैंप एट इंडेक्स थ्री, ये वाला इंडेक्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है टैंप एट इंडेक्स थ्री, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आ रहा है, एरे की इंडेक्स, एरे इंडेक्स की जीरो की वैल्यू, एरे एट इंडेक्स जीरो, ये वाली वैल्यू आएगी इसमें, ठीक है, ये वाली वैल्यू वन आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आई यहां से हटके यहां पर आ जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो टैंप फोर में क्या आ जाएगा, एरे आई कितना हो गया, आई फोर हो गया, प्लस डी, फोर प्लस टू डेट इज सिक्स, सिक्स परसेंटाइल फाइव, तो सिक्स को फाइव से डिवाइड करोगे क्या देगा, वो वन दे देगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिक्स परसेंटाइल फाइव, रिमाइंडर क्या आएगा, वन। तो टैंप फोर यहां पर, यानी कि ये वाला फोर में किस क्या वैल्यू पड़ी हुई है, एरे एट इंडेक्स वन, एरे एट इंडेक्स वन, यानी कि ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, टू। तो क्या रहा टैंप में, थ्री फोर फाइव वन टू, और आपका जो आपको चाहिए डिजायर्ड आंसर क्या है, थ्री फोर फाइव वन टू, इसलिए हमने क्या करा, वॉइड में था इसलिए हमने क्या कराया, तो आपने क्या करा, फिर उसको एरे को ट्रेवर्स करा, किसको, टैंप को, ट्रेवर्स टैंप, आपने क्या करा, आपने पूरा टैंप को ट्रेवर्स करा, यहां से जीरो से लेकर एन माइनस वन तक, ठीक है, लेस देन एन, और एरे आई क्या कर दिया, इज इक्वल टू टैंप आई, जस्ट आप कॉपी कर रहे हो, और आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, और आपने सबमिट कर दिया। तो जब आप इसको सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, सारे टेस्ट केसेस वो रन करेगा। ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा आई थिंक, जो मैंने पूरा बताया है प्रॉपर, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए। उसके बाद यार हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। तो यार ये एक वेव एरे है, इसमें इजी मार्क हो रहा है, ठीक है, इजी भी कह सकते हो, मीडियम भी कह सकते हो, आपके हिसाब से, देखते हैं पहले, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है ये वाला, तो देखते हैं। सो वी हैव गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, सॉर्ट द एरे इनटू अ वेव लाइक एरे इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब होता है हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करनी, ठीक है ना, रिलेटिव ऑर्डर मस्ट बी सेम, और हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अरेंज द एलिमेंट इनटू अ सीक्वेंस सो दैट एरे 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे 2, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एरे 3, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे 4, एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एरे 5, ओके। इफ देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस, फाइंड द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन, ओके, ठीक है, देखते हैं। तो हमारे पास एक एरे है एन, जिसका साइज 5 है, जिसमें हमारे 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, लेट से 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसका रिजल्ट आ रहा है 2 1 4 3 5, ठीक है। तो यार ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन तो इन्होंने हमें एक एरे दे रखा है जिसमें हमारे कुछ 5 एलिमेंट पड़े हुए हैं, जिसका साइज 5 है और हमारे 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, सॉरी ये मैं ऊपर कर देता हूँ। तो हमारे पास एक एरे दे रखा है जिसका साइज 5 है, जिसमें हमारे कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ऑफ कोर्स 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, अरेंज द एलिमेंट्स इनटू सीक्वेंस सो दैट एरे 1, यार ये इन्होंने 1 से स्टार्ट करा है क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्स लिया इन्होंने, बट हम जो एरे हमें पता है वो कहां से स्टार्ट होता है, इट जनरली स्टार्ट विद जीरो इंडेक्स, वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना आप कि यार ये एरे 1 क्या है, ठीक है ना, ये हम एरे जीरो इंडेक्स ही लेंगे, ठीक है ना, ये हम एरे जीरो इंडेक्स ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये, अगर आप देखो यार जीरो इंडेक्स, या आप ये मान के चलिए ये जो है ये जीरो इंडेक्स है, ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि यार ये जो जीरो इंडेक्स पे है इन्होंने क्या करा है, ये सीक्वेंस में लाना है, तो इसके सीक्वेंस के हिसाब से क्या है कि यार ये जो है ये जीरो इंडेक्स पे जो है ये बड़ा होना चाहिए और इक्वल, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एरे 2, विच मीन्स जो हमारा ये एरे 0, यानी कि जो E1 वाला इंडेक्स है ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओड इंडेक्स, ओड इंडेक्स पे एरे 1 जो है ये 2 दे रखा है एरे 1 मानो, और जो आपका ओड इंडेक्स है वो क्या होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, ठीक है, वरना आप स्वैप कर दोगे, कैसे मैं देखता हूं। तो मैंने एक चीज बनाई, मैंने कहा 1 2 3 4 5, बहुत सही। तो मैंने इंडेक्सिंग अगर इनकी करी तो क्या आएगा, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, तो हमें पता है यार E1 क्या है, E1 जो है वो 0 इंडेक्स पर रहेगा, 2 इंडेक्स पर रहेगा एंड 4 इंडेक्स पर रहेगा, क्या रहेगा जो E1 है वो किस इंडेक्स पर रहेगा, 0 पर रहेगा, 2 पर रहेगा एंड 4 पर रहेगा, और जो ओड इंडेक्स है वो किस पर रहेगा, 1 पर रहेगा, 1 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स, बहुत सही। तो हमारा क्या है, अब हम आए इंडेक्स 0 पे, किस पे हैं हम अभी हम 0, ये मैं दूसरा कलर लेता हूं, मैं अभी हूं, ठीक है, मैं अभी हूं ये वाले इंडेक्स पे, इंडेक्स 0 पे, ठीक है। तो मैंने देखा इंडेक्स 0 क्या है, यार ये तो इंडेक्स 0 था E1 है, इंडेक्स जीरो क्या है यार, इंडेक्स जीरो जो है ये E1 इंडेक्स है, बहुत सही। और आपको मैंने बताया था अगर E1 इंडेक्स है तो उसका जो एलिमेंट होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है उससे, ठीक है, और नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कोर्स ओड वाला होता है, ठीक है, छोड़िए।
तो हमारा जो इंडेक्स जीरो है वो क्या है, वो एक इवन इंडेक्स है। बहुत बढ़िया। अब हमारा जो वन है, इंडेक्स जीरो पे जो इवन इंडेक्स है हमारा, उस पे जो हमारा वन पड़ा हुआ है, वो टू से क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू है? नहीं यार, वन जो है वो तो टू से छोटा है। बट हमें सीक्वेंस में क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो इवन इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारा बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, जो नेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। बट यहाँ पर जो वन है जो इवन इंडेक्स पे, वो क्या है, वो तो यार वन, ये जो वन है वो तो लेस देन टू है, ठीक है। बट हमारी कंडीशन क्या है, जो हमारा यहाँ का इंडेक्स होना चाहिए, यहाँ का इवन इंडेक्स पे, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये जो हमारा नेक्स्ट वाला इंडेक्स है, ये वाला, ये तो इवन है हमारा, इवन है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये ओड है। तो जो इवन इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू। बट इवन इंडेक्स पे वन है जो कि हमारा, इवन इंडेक्स पे वन है जो कि हमारा टू से छोटा है, तो क्या करोगे आप, स्वैप कर दोगे। क्या कर दोगे, स्वैप कर दोगे, समझ रहे हो ना। तो जब आप स्वैप करोगे तो क्या आएगा, स्वैप करके जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, टू तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। टू मैं इसको काट देता हूं, अगर मैं इसको इरेज करूं, मैं यहीं पे आपको करके दिखाता हूं, अगर मैं इसको इरेज करूं ये वाले को, स्वैप जब मैंने करा तो कुछ ऐसे बन गया होगा मेरा, समझ रहे हो ना, ये चीज जो मैंने बताई। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यार, पैन, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा यार, यहाँ पर आ जाएगा मेरा टू और यहाँ पर आ जाएगा वन। बहुत सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है आई प्लस प्लस हो जाएगा, आप आ जाओगे यहाँ पर, आप आ जाओगे, ये आप आ जाओगे यहाँ पर इंडेक्स वन पे, ये आपका हट गया, ये आपका हट गया, ये जो आपका, ये चलता क्यों नहीं, ठीक है। अभी आप किस पे हो, अब आप आ गए ओड इंडेक्स पे। तो ओड इंडेक्स का क्या है, ओड इंडेक्स का मैंने बताया था, ओड इंडेक्स का इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, इट शुड बी लेस देन, तो वन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू थ्री है। ये जो वन है ये लेस देन इक्वल्स टू थ्री है, वन इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री, यस वन इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री। तो क्या रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, बहुत सही। उसके बाद आप क्या करोगे, ये हटाओगे, ये हटाओगे और आई को यहाँ आप ये आ जाओगे, ठीक है, आपने हटा दिया। अब आपने देखा, ये जो आपने देखा, ये जो टू है ये क्या इवन इंडेक्स है, ये क्या इवन इंडेक्स है। अब आपने देखा थ्री जो है, थ्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर है, क्योंकि इवन इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेक्स्ट एलिमेंट होगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या कर दोगे, स्वैप कर दोगे, क्या कर दोगे, स्वैप कर दोगे। तो मैंने क्या करा यार, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि जो इवन इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेक्स्ट एलिमेंट, ऐसा उन्होंने बोला है। तो आप क्या कर दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेंसिल लेता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका फोर और यहाँ पर आ जाएगा आपका थ्री, ठीक है। नाउ आपका जो पॉइंटर है वो यहाँ से हट के क्या हो जाएगा, अब आप आ गए यहाँ पर, और ये कौन सी इंडेक्स है, ये इंडेक्स है आपकी ओड। तो ओड इंडेक्स पे इन्होंने बोला है कि ओड इंडेक्स पे जो रहेगा, ओड इंडेक्स पे कुछ भी हो, जो थ्री है ओड इंडेक्स पे, आपने देखा ना, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, तो हमेशा लेस देन रहेगा। तो थ्री पड़ा हुआ है, तो थ्री लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, फाइव है नेक्स्ट एलिमेंट, ये तो होगा फाइव, तो थ्री जो है वो फाइव से छोटा है, थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव, यस कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या कर दोगे, पॉइंटर को यहाँ से हटा के पॉइंटर यहाँ ले आओगे, ठीक है। तो पॉइंटर सॉरी एन माइनस वन तक ही जाएगा, एन माइनस वन तक ही जाएगा, क्योंकि फाइव तक जाएगा तो फाइव के आगे तो कोई नेक्स्ट एलिमेंट है ही नहीं, तो वो क्या कहाँ तक जाएगा, एन माइनस वन तक, यहाँ तक जाएगा, एन माइनस टू, एन माइनस टू, ये जो ये तो एन माइनस वन है और ये एन माइनस टू है, तो यहाँ तक जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट थ्री के आगे ही रहेगा, फाइव के आगे नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कह रहा हूं मैं, इसको हम समझते हैं, करते हैं, देखते हैं। तो हमने यार एक लिया, मैंने क्या करा मैं, ठीक है देखते हैं। तो पहले पहले फोर लूप लगाया मैंने, फोर इंट आई जीरो से लेकर आई इज लेस देन एन माइनस वन, लेस देन एन माइनस टू तक ही जाएगा, इसलिए मैंने क्या लिखा, एन माइनस वन से पहले, ठीक है, आई प्लस प्लस, समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है ये, उसके बाद कोई एलिमेंट तो हमारे पास है नहीं, तो हम कहां तक जाएंगे, हम जस्ट यहीं तक जाएंगे, क्योंकि इसके आगे ही नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा हमें। बहुत सही, तो मैंने कंडीशन लिखी, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, समझना। पहली कंडीशन ये, अगर मेरा इवन इंडेक्स है, विच मीन्स आई जो है मेरा परसेंटाइल टू, इसका मतलब है अगर मेरा इंडेक्स जो है इवन है, आई परसेंटाइल टू इज इक्वल टू जीरो, इवन इंडेक्स है, एंड एंड मेरा कोई एरे का एलिमेंट, एरे ऑफ आई, इवन इंडेक्स में हमने क्या बोला कि इवन इंडेक्स का कोई भी एलिमेंट, इट इवन इंडेक्स का एलिमेंट जो होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेक्स्ट एलिमेंट। बट अगर वो लेस देन इक्वल्स टू ना होके, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये ना होके क्या हुआ, लेस देन हुआ, लेस देन हुआ किससे, नेक्स्ट एलिमेंट से, एरे आई प्लस वन से। तो क्या हो जाएगा उसमें, हमारा क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
आप क्या कर दोगे, स्वैप कर दोगे किसको, एरे ऑफ आई को कोमा एरे ऑफ आई प्लस वन को। समझ रहे हो ना मैंने क्या करा, मैं इंडेक्स जीरो पे हूं, ठीक है, वन आया, तो मैंने क्या करा, अगर आपका इवन इंडेक्स है एंड एंड जो आपका करंट एलिमेंट है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोला है ना, ये अगर नहीं हुआ विच मीन्स लेस देन हुआ नेक्स्ट एलिमेंट से एरे आई प्लस वन से, देन आपको स्वैप कर देना है, ठीक है, बहुत सही। उसके बाद एल्स इफ आपने यहां कंडीशन लगाई कि आपका जो इंडेक्स है वो ओड है, आई एंड वन इंडेक्स ओड है, एंड एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, ये तो इसका मतलब ये ओड है, अगर आई एंड वन ओड है एंड एंड, ठीक है, इसका मतलब है अगर आपका एरे ऑफ आई तो ओड ओड इंडेक्स में इन्होंने बोला है कि ओड इंडेक्स में जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल्स टू यानी छोटा होना चाहिए, बट लेस देन इक्वल्स टू की जगह अगर वो बड़ा हुआ किससे, लेस देन इक्वल्स टू की जगह अगर वो बड़ा हुआ किससे, जो नेक्स्ट एलिमेंट है एरे आई प्लस वन, तो उस केस में भी हमारा स्वैप हो जाएगा, स्वैप एरे ऑफ आई कोमा एरे ऑफ आई प्लस वन एरे ऑफ आई प्लस वन, ठीक है, और हमारा ये void में है तो ये अपना आप देख लेगा। जब आप इसको compile and run करेंगे तो इसका answer बिल्कुल मिलना चाहिए, तो ये 21435, ठीक है। अब इसको हम submit करते हैं, अगर तो submit भी आना, सारे test cases pass हो जाएंगे ये, yes बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना, अगर even index है तो it should be greater than equals to, but अगर वो less than हुआ आप swap कर देंगे उस case में। ऐसी हमने कहा कि अगर ओड इंडेक्स में इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, बट अगर वो ग्रेटर देन हुआ नेक्स्ट एलिमेंट से देन यू हैव टू स्वैप, ओके, करंट एलिमेंट एंड नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, एन माइनस वन तक जाएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक ले जाओगे तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, तो आप एन माइनस टू तक ही जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा आई शुड बी लेस देन एन माइनस वन। जब फोर लूप से बाहर आ जाओगे तो आपका एरे जो है चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा वॉइड में, इसलिए आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कुछ भी, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ गया समझ।